डीके यानी दिनेश कार्तिक आउट हुए तो हुए लेकिन अपने पीछे जंग छोड़कर चले गए। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए दिनेश कार्तिक की यहां पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप जानते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सुपर 12 का मुकाबला चल रहा था जिसमें इंडिया ने यानी टीम इंडिया ने 184 रन बोर्ड पर टांग दिए थे 6 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल जिनके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, जिनके ऊपर सवाल उठ रहे थे, उंगलियां उठ रही थी कि भाई आप रन कब बनाएंगे, अब हम थक गए हैं, कब आप रन बनाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भी आपने ऐसी खेला, उसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ भी ऐसी खेला, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी आपने ऐसी खेला, लेकिन अब फाइनली केएल राहुल ने इस मैच में 50 जड़ा। वहीं अगर विराट कोहली की बात करें, क्या ही बात करें, देखिए विराट कोहली की बात करें तो 64 रन उन्होंने बनाए हैं। देखिए बहुत शानदार फॉर्म में विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव ने भी 30 रन बना के अच्छा खासा मैच को संभाले रखा है, लेकिन कप्तान साहब ने थोड़ा सा निराश करा कप्तान ने, यानी रोहित शर्मा सस्ते में चलता हो गए। लेकिन उसके बाद डीके क्रीज पर आए और हम जिस जंग की बात कर रहे हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में। देखिए उसके बाद डीके यानी दिनेश कार्तिक द फिनिशर क्रीज पर आए, उन्होंने यानी दिनेश कार्तिक ने मात्र 7 रन बनाए। आप जानते हैं दिनेश कार्तिक का भी थोड़ा सा बल्ला ऐसा ही चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप 2022 में उन्होंने 7 रन बनाए, लेकिन जंग यहां छिड़ी कि वो जिस तरीके से आउट हुए थे, आपको बता देते हैं कि दिनेश कार्तिक ने 7 रन बनाए और जैसी वो 7वां रन दौड़े, जैसी वो दौड़ने के लिए मतलब क्रीज पर गए तो उसके बाद उनका रन आउट कर दिया गया। शाकिब अल हसन ने थ्रो मारा और शौरिफुल इस्लाम ने जो है कैच करके उनको आउट कर दिया, यानी रन आउट कर दिया। अब जंग यहां पर हो रही है कि जैसे ही उनको आउट करा शौरिफुल इस्लाम ने, लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सबसे पहले उनके हाथ जो है बेल्स पर लगे, बॉल बेल्स पर नहीं लगी, और जो लाइट जली थी, जो आप जानते हैं LED लाइट होती है स्टंप्स में, वो लाइट उनके हाथ से जली थी, बॉल्स तो टकराई नहीं, मतलब बॉल्स तो कॉन्टेक्ट में आई ही नहीं स्टंप्स के, लेकिन वैसे ही आउट हो गए। इसके बाद आपको पता होगा उन्होंने DRS भी लिया था कि भाई आउट है या नहीं है, लेकिन अंपायर ने उनको आउट करार दे दिया था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अब जंग छिड़ गई है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर, हर जगह दिनेश कार्तिक ट्रेंड कर रहे हैं कि भाई दिनेश कार्तिक को गलत आउट दिया गया, दिनेश कार्तिक को एक बार फिर से मौका देना चाहिए था, उनको आउट नहीं करना चाहिए था क्योंकि बेल्स तो टच हुई नहीं है, मतलब बॉल से बेल्स तो टच ही नहीं हुई, उनके हाथ से टच हुई है तो उनको आउट कैसे दे दिया आपने। अब कमेंट्स के जरिए आप जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है इस पूरी चीज पर, कि क्या आपको लगता है दिनेश कार्तिक को ये जो आउट करार दिया गया, आउट करा गया, वो सही था या फिर एक और मौका दिनेश कार्तिक को मिलना चाहिए था। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो यार वीडियो को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स नेस्ट चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए।